अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड टाइम फूड डिशेस। आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी केक। हम बहुत ही अलग तरीके से ये बनाने वाले हैं और इसे हम बहुत अलग तरीके से इसे डेकोरेट करेंगे, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। सर्दी के मौसम में स्ट्रॉबेरी बाज़ार में खूब आती है, तो हम इससे जैम, जूस और मिल्क शेक बनाते रहते हैं। तो आज मैं आपके साथ स्ट्रॉबेरी से केक बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही यम्मी और डिलीशियस केक बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने एक बॉल में आधा कप दही ले लिया है। हम इसे एगलेस बनाने वाले हैं केक, तो इसमें हमने दही का इस्तेमाल किया है और एक कप भर कर मैंने इसमें शुगर पाउडर डाल दिया है। अच्छे से हम इसे मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया और एकदम क्रीम जैसा टेक्सचर हो गया इसका। अब इसके अंदर हम 3 से 4 चम्मच हम इसमें रिफाइन ऑयल का डाल देंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे ऑयल डिसअपियर होने तक हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ऑयल डिसअपियर हो गया है और ये अच्छे से फेंट गया है। अब हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप शुगर ली थी और 1.5 कप मैदा मैं इसमें ऐड करूँगी और 1 चम्मच भरकर इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे हाथ से ही मिक्स कर सकते हैं अच्छे से, हैंड बीटर से, और इसके लिए हमें कोई बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर 4 से 5 चम्मच मैं इसमें स्ट्रॉबेरी का पेस्ट डाल दूँगी। मैंने स्ट्रॉबेरी को शक्कर डालकर बॉईल कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने उसे ग्राइंड कर लिया है, तो इस तरह से पेस्ट बना लिया था मैंने, वो मैं इसमें ऐड कर दिया है मैंने। और अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अब ये बैटर कुछ गाढ़ा सा है तो हमें इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे हम थोड़ा दूध डालने के बाद में। एक साथ हमें दूध नहीं डाल देना है वरना ये बैटर पतला हो जाएगा। तो ये देखिए इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ये इस तरह से होना चाहिए। अब हम स्ट्रॉबेरी केक बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने इसमें रेड फूड कलर डाल दिया है, जेल कलर का इस्तेमाल किया है मैंने, और ये 2-3 ड्रॉप डाल देंगे इसमें और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, तो इसमें बहुत अच्छा कलर आ जाएगा, रेड कलर। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसमें। तो ये हमारा बैटर अब रेडी है। अब मैं इसे एक केक टिन को मैंने पहले से ही ग्रीस करके और बटर पेपर लगा कर रख दिया था, मैं उसमें ये सारा बैटर पोर कर दूंगी। इसे हमें 35 मिनट के लिए 180 डिग्री पर हमें इसे ओवन में बेक करना है, तो हम इसे रख देते हैं ओवन में। और हम अब इसके लिए क्रीम तैयार करते हैं केक के लिए। तो मैंने यहाँ पर 1 कप व्हीप क्रीम ले ली है और उसे मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। हमें इसे सॉफ्ट और क्रीमी होने तक इसे बीट करना है। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब मैं इसमें से 2 चम्मच अलग कर दूँगी एक बॉल में और एक बॉल में मैं 3 चम्मच अलग कर दूँगी सॉफ्ट क्रीम को। हम इसमें कलर मिलाने वाले हैं, तो एक में मैंने 2 चम्मच लिया है और एक में मैंने 3 चम्मच निकाल लिया है। अब जिसमें 3 चम्मच है उसमें मैं रेड फूड कलर डाल दूंगी, जेल कलर का इस्तेमाल किया है मैंने, तो मैंने इसमें रेड फूड कलर डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। और ये दूसरे वाले में मैंने ग्रीन जेल कलर डाल दिया है मैंने इसमें, और हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम साइड में रख देंगे। अब हम अपने केक को देख लेते हैं। इसे बेक करने में मुझे पूरे 40 मिनट लगे, मैंने टूथपिक से चेक कर लिया था, एकदम परफेक्ट बन गया है केक, तैयार हो गया है। तो अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और एक पाइपिंग बैग में मैंने वाइट क्रीम को डाल दिया था और इस तरह से मैंने उसे कट कर लिया था आगे से उसके पॉइंट को, और मैं इसे इस तरह से पैटर्न बनाऊंगी मैं इस पर, तो ये बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। इसमें कोई नोजल्स लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पॉइंट को मैंने कट किया है और इस तरह से मैंने इसे
डेकोरेट कर दिया इसे। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है पैटर्न। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो ये मैंने पूरा इस यहाँ तक कर लिया है, कॉर्नर तक। हमें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक बनाना है पैटर्न। मैंने इस पर पहले ही छुरी से निशान लगा लिया था इक्वल साइज़ के, और अब मैं इस पर एक मैंने पाइपिंग बैग में मैंने रेड कलर का जो मैंने तैयार किया था क्रीम, वो मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल दिया है, और उससे मैं इस तरह से पैटर्न बना लूँगी स्ट्रॉबेरी का। तो बहुत ही आसानी से इस तरह से मैं सिर्फ डॉट डॉट बनाकर इसे स्ट्रॉबेरी की शेप में ले आऊँगी। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा पैटर्न लगता है ये, और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो इसी तरह मैं इस पर सारे जो केक के पीस है इस पर मैं इस तरह से बना लूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने स्ट्रॉबेरी के ये बना लिया है। अब इसकी पत्ती के लिए मैंने जो एक हरा कलर निकाल के रखा था अलग से, तो मैं एक पाइपिंग बैग में हरा कलर लूँगी और इस तरह से मैं पत्ती का शेप दूँगी। तो ये बहुत ही लुक वाइज बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत ही आसान भी है बनाना। इस तरह से मैं सारी स्ट्रॉबेरी के पत्तियों को शेप दे दूंगी इस तरह से। देखिए ये केक कितना खूबसूरत लग रहा है, कलरफुल, और आप इसे ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही हेल्दी भी है, स्ट्रॉबेरी से बना है केक ये, तो आप ज़रूर ट्राई करें एक बार। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।